सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़ पे। तो आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं भारत के बारे में, और जो हाल फिलहाल के मुद्दे चल रहे हैं उस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बातें हमें बताएंगे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। खत्म शाहीनबाग से बिरयानी गड्ढे गए, कहां गए? अच्छा एक बात बताइए आरजू जी, सीएए तो सरकार ने वापस नहीं लिया, नहीं लिया ना? एनआरसी तो सरकार ने वापस नहीं लिया है ना? तो मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आपने दो एग्जांपल से पूछा तो अभी उसके बारे में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो रहा सीएए के ऊपर? अभी वो फैज अहमद फैज की नज्में क्यों नहीं पढ़ी जा रही? एक तो भारत में फैज अहमद फैज को लेके बहुत बड़ा फ्रॉड है यहाँ पे, बहुत बड़ा। लेकिन मैं एक मिनट दूंगी सर। लेकिन वो फैज अहमद फैज की जो नज़म पढ़ी जा रही थी वो उन्होंने इंडिया या मुसलमानों के लिए नहीं लिखी थी, वो तो उन्होंने उस टाइम पे जो डिक्टेटर थे उसके लिए लिखा गया था। मुझे पता है और मैं फैज अहमद फैज साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट आई एडमायर अ लॉट। फैज अहमद फैज हैं, हबीब जालिब साहब हैं, ये हीरोज हैं। दे कुड हैव बीन बॉर्न एनीवेयर, ये पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन दीज आर ग्लोबल हीरोज। पहले तो मैं ये बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू मुसलमान पे लिखी, उन लोगों को समझ नहीं है, उर्दू अदब उर्दू शायरी की उनको नहीं पहचान है, तो उन लोगों ने बोल दिया ऐसे नहीं। ये शायद ये हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे इसके ऊपर। उसमें लिखा है कि नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है गायब भी, तो इनको लगा कि ऐसे नहीं। दैट इज इट्स अबाउट When he says ना कि तख्त उड़ेले जाएंगे ताज उछाले जाएंगे, ठीक है? When he says काबे के हैं जितने भी बुत, वो किन की बात कर रहे हैं? He is not talking about Hindu gods and goddesses। वो उसके लिए ना बैठ के आरजू जी एक पूरा इनको फैज और हबीब जालिब, मैं बता रहा हूँ इंडिया में क्यों फ्रॉड है, मेरा कहने का कुछ और मतलब था। हबीब जालिब और फैज अहमद फैज की जो हम थोड़ा सा डिस्कशन हमारा दाएं चला गया, लेकिन जरूरी है इसको पर्सपेक्टिव में रखना कि अच्छा बाय द वे ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अच्छा, ठीक है, ओके। जी, ही वाज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, फिर बंटवारा हुआ, फिर वो पाकिस्तान चले गए। फैज अहमद फैज हमारे भी हैं, और जिस फौज का मैं था उसी फौज के वो भी थे, सो मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी। देखिए फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जैसे, मैं फिर आपकी बात काट रही हूँ अब, सॉरी। ये पीछे मेरे जो पिक्चर रखी है मेरे फादर और फैज अहमद फैज की साथ है। अच्छा नहीं, आपने बताया था एक बार पहले। बिल्कुल। नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि फैज अहमद फैज और हबीब जालिब ना, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जियाउल हक के जेल, उनकी काल कोठरी, उनके हंटर, उनकी तशद्दुत, उनकी मारपीट, उनका टॉर्चर, ये सब सहने के बाद, इन सब से जिंदा निकलने के बाद और फिर भी न टूटने के बाद, तब फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जन्म लेते हैं। यहां पे तो जेएनयू की फीस बढ़ा दी अगर 200 रुपए तो फैज अहमद फैज कोर्ट करने लगते हैं। इन लोगों ने कभी प्रॉब्लम देखी नहीं इंडिया में। इंडिया में सबसे बड़ी मुझे क्यों झूठे लगते हैं जो हिंदुस्तानी फैज अहमद फैज कोर्ट करते हैं, या हबीब जालिब है ना, कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, दीप जिसका महल्ला थी मैं जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, बड़ी मशहूर नज्म है हबीब जालिब साहब की। तो ये इंडिया में जो कोर्ट करते हैं इनको ना, अकल वकल तो है नहीं इनको, ये छोटी छोटी। देखिए बात यह है कि हर एक नज्म का, हर एक गजल का, हर एक शेर का एक वजन होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है? या जैसे फैज साहब की एक बड़ी मशहूर नज्म है कि निसार में तेरी गलियों के, वतन की जहां चली है रस्म की कोई नजर उठा के चले, और जो भी चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जहां बचा के चले, ठीक है? मैं पूरी नज्म सुना सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन समय निकल जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत में बहुत बड़ा फ्रॉड है लेफ्ट वालों की तरफ से, लिबरल्स की तरफ से। उन्होंने जिंदगी में कोई परेशानी नहीं देखी जिसको हम कंपेयर कर सकें जो फैज अहमद फैज साहब ने, हबीब जालिब साहब ने फेस करी थी। तो इनको लाइफ में कुछ भी होता है ना,
कुछ भी इनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत होता है, यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई, टैक्सी का किराया बढ़ गया, डफरी लेके फैज अहमद फैज गाना। सो मैं तो इन लोगों को सीरियसली लेता नहीं। अच्छा, इनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत खराब है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी इनको पता नहीं है। ये उर्दू का मर्डर यही लोग करेंगे किसी दिन बैठ के, और कर भी रहे होंगे, बता रहा हूँ आपको, इनको इनको बिल्कुल। सो डोंट टेक देम सीरियसली। बताइए और अगला सवाल आप दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो आगे में, लेकिन अगला सवाल, और हम बात करें और हम इमरान खान की बात ना करें, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपसे इमरान खान के बारे में ही पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिया था कि मैं आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाना चाह रहा था, जबकि ऐसा नहीं था, मैं तो मेरिट पे लाता, लेकिन साथ साथ वो अभी तक कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल क्यों है हमारी फौज और बीच में क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क पे डाका पड़ रहा हो घर में, तो चौकीदार जो है, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल बाजवा साहब से कहा, कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो आपके ख्याल से ये जो क्लैश चल रहा है एक तरह से सिविलियन और मिलिट्री के बीच में, ये कोई नुकसान कर रहा है पाकिस्तान का, या ये बेहतर है, मतलब बोलना चाहिए अगर कोई चीज गलत लगे तो? देखिए, इमरान खान लालची आदमी है, ठीक है, उसको लालच है, और उसने पूरे मुल्क को गड्ढे में डाल दिया अपनी लालच के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। हमारा एक स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई, बड़ा मशहूर है, पाकिस्तानी इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पे फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र जो है वो वहां उसने बड़े बड़े लोग दिए हैं महाराष्ट्र ने भारत को, इस दुनिया को। और सबसे बड़ा नाम जो है, जो महाराष्ट्र ने दिया, सबसे बड़ा नाम दुनिया में कम ऐसे नाम होंगे उस कद के, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य की सारी खिड़कियां खड़का दी थी, ठीक है। वो ही वाज अ टाइगर। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं आरजू जी, कि अभी वहां पे सरकार गिरने की बात आ गई। मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती, ठीक है, मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उत्तराधिकारी हैं बाला साहेब ठाकरे के। मुझे नहीं लगता, वो उनमें वो गर्मी है ही नहीं, वो आग है ही नहीं। तो ही इज लाइक ऐसी है, मतलब वो राज ठाकरे इज मोर इंप्रेसिव, ये तो उद्धव ठाकरे तो ऐसे। खैर, एनीवे, मेरी उनसे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना, मैं उसकी पॉलिटिक्स से अग्री भी नहीं करता, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स से, ठीक है। बाला साहेब की बात नहीं कर रहा मैं बात करूं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे के MLAs, जो मेंबर्स थे MLAs ने छोड़ दिया, ठीक है, एक शिंदे साहब है, शिंदे साहब ले गए उन्हीं की पार्टी के। उद्धव ठाकरे ने आपको पता क्या करा? उद्धव ठाकरे ने यह बोला कि जा, अगर आप नहीं चाहते मुझे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो मैं जा रहा हूं। उसने रात को चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस खाली कर दिया और अपने फैमिली होम में चला गया, वर्षा करके है जो सीएम का रेजिडेंस है। अब देखिए, आप उस आदमी को अच्छा माने या बुरा माने, आपको नहीं पसंद है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता वो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, उनको जैसे ही पता लगा कि ही इज नो लॉन्गर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ मेजोरिटी विद इन हिज ओन पार्टी एंड इन द लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली, माफ कीजिएगा, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ही सेड कि आई विल रिजाइन। ना उस बंदे ने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी, ना उसने CIA के बारे में बात करी, ना उसने रॉ ISI के बारे में बात करी, ठीक है। देखिए, बात पता है क्या है, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, और यहां पे जो भी मसीहा बनके थोड़ी सी उम्मीद दे देता है ना आरजू जी, यहां पे लोग बावले हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं कि अब यही करेगा। दे डोंट रियलाइज कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता, जरदारी कुछ नहीं कर सकता, जो भी करते हैं इंस्टीट्यूशंस करते हैं किसी मुल्क के। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। महात्मा गांधी की डेथ हो गई तो लोगों ने बोला कि अब हिंदुस्तान का क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई अब हिंदुस्तान का क्या होगा, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई तब हिंदुस्तान का क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, नो डाउट, और इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है भारत के, लेकिन भारत, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कोशिश करी कि इंडिविजुअल्स यहां पे भी पूजे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूजे जाते भारत में, ऐसी बात नहीं है, यहां पे भी है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी कि इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, है ना। अब मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कल क्या होगा, हो सकता है कि शिवसेना की सरकार बरकरार रहे, हो सकता है इनकी सरकार गिर जाए, हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जी आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज डेमोक्रेसी ऐसी, मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी,
ठीक है, मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी, मैं कहता हूं अमेरिका ने साजिश करी, जैसा इमरान खान कह रहा है सच कह रहा है, मैं कह रहा हूं सबने मिलकर साजिश करी, उसमें रॉ भी शामिल था, उसमें CIA भी था, मोसाद भी था, और सबने अपना देश वेश धर्म सब छोड़ के बोला कि नहीं खान को निकालना है क्योंकि खान अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन है। सबकी साजिश थी, इमरान खान को फिर भी ग्रेसफुली छोड़ देनी चाहिए थी कुर्सी, और ये एग्जांपल हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। इंडियंस को ये बड़ी बात नहीं लगती जो उद्धव ठाकरे ने करा ना, वो इंडियंस को बोले कह रहे तो क्या, वो तो छोड़ना ही था। इंडियंस का एटीट्यूड, क्योंकि इंडियंस यही देखते आ रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री ऐसे देखे हैं भारत में, जैसे आपने अटल जी की वो स्पीच सुनी होगी कि जा रहा हूं राष्ट्रपति जी से मिलने अपना इस्तीफा देने के लिए, कहानी खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से इतना लोभ मत करो, इतनी लालच मत करो, इतना उससे इतना लगाव मत करो कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंट्री। इमरान खान ने यही बात करी है, जहां तक आपने बोला न्यूट्रल रहे फौज, देखिए साहब ऐसा है फौज तो कभी न्यूट्रल नहीं रही। इमरान खान जो गुहार लगा रहा है अपनी खुद की फौज से, वो किस बात की गुहार लगा रहा है? वो इसी बात की तो लगा रहा है कि तुम लोग न्यूट्रल मत रहो, क्योंकि उसको पता है कि द आर्मी इज नॉट न्यूट्रल, इट हैज नेवर बीन न्यूट्रल। पाकिस्तान का देखिए जनरल बाजवा अपने आप में यू नो आई थिंक दैट ही इज अ गुड मैन अपने आप में, बट इंस्टीट्यूशनली इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तानी आर्मी हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व। देखिए अगर आपको ये चाहते हैं ना, अगर ये चाहते हैं आप कि पाकिस्तानी फौज अलग रहे, तो ये जो आपने ISI के अंदर पॉलिटिकल विंग बना रखा है ना, आप इसको डिसॉल्व करिए। ISI जैसे इंडिया में है, इंडिया में एक एजेंसी है फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए और एक एजेंसी है डोमेस्टिक के लिए, आपके यहां एक ही ISI, वही सबसे बड़े चौधरी हैं गांव के, वो बोलेंगे क्या कर, ऐसा थोड़ा ना होता है। यू कैनॉट गिव टू मच ऑफ पावर टू वन एजेंसी, आप लोगों ने यही गलती करी, आपने टू मच ऑफ पावर टू ISI, टू मच ऑफ पावर टू द आर्मी, क्योंकि बगल में हिंदू है वो आके खा जाएगा, ये आ जाएगा वो, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। जो इमरान खान कह रहा है वो गलत हो सकता है, अगर एक नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल मुल्क में अगर हम बात करें तो इमरान खान कह रहा है वो गलत कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अगर लिहाज से आप बात करेंगे तो इमरान खान गलत नहीं कह रहा है। अरसू जी इमरान खान तो वही कह रहा है कि जो अयूब खान ने करा है, जो याह्या खान ने करा है, जो जियाउल हक ने करा है, जो परवेज मुशर्रफ ने करा है, बस वो आर्मी से ये कह रहा है कि तुम मत कुर्सी पे बैठो, तुम मुझे बैठा दो कुर्सी पे, एंड दैट्स इट, वो सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या है? क्या क्या कोई सिविलियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो कहे आर्मी को कि जी आपने बस अपने काम से काम रखना है? कभी नहीं होगा अर्जुन जी, पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। आप मैं आज आपको लिखवा के दे दूं, कोई आर्मी चीफ आपका आ गया, ठीक है, जहांगीर करामत टाइप का, जिसने बोला कि मैं चलो थोड़ा सा दूर रहता हूं इन सब चीजों से, वो बेचारा शरीफ आदमी था, उसको निपटा दिया इन लोगों ने, वरना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। अर्जुन जी आपकी दो तीन चीजें हैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है एंड दिस इज अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। पूरी जिस कौम को आपने देखिए, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, आपके यू हैव ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू ना। एक कौम किस आप जैसे कौम जा रही है तो उसके पास एक डायरेक्शन ये होता है, एक डायरेक्शन ये होता है। कौम कौन सा डायरेक्शन लेती है वो कौम का फ्यूचर डिसाइड करती है, ठीक है। आपने जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया, ठीक है ना, आपने जो बोला कि नहीं हमें हमें जंगजू पैदा करने, हमें साइंटिस्ट नहीं पैदा करने, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा करने, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या वायरोलॉजिस्ट या यू नो बड़े बड़े R&D वाले हमें पैदा नहीं करना, हमें ना फौजी पैदा करने, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये एक माइंडसेट लेके। तो देखिए ये अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो उसमें से संतरे तो निकलेंगे नहीं आरजू जी ना, आम से तो आम ही निकलेगा, तो अगर आप कीकड़ का पेड़ लगाएंगे तो उससे कांटे ही निकलेंगे। पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है, या तो पाकिस्तान में मंथन हो इस मामले में, एक एन इंटेलेक्चुअल चर्निंग कि वेर आर वी हेडिंग। आज की तारीख में आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अर्जुन जी, आप ही की शो में आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लोगों ने डुअल सिटीजनशिप ले रखी है, इन सबकी प्रॉपर्टीज बाहर है? नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन अलोन। करप्शन एक वजूहत हो सकती है, उसकी दो तीन में से एक करप्शन वजह हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने क्यों कर रखा है ऐसा? शहबाज गिल का अमेरिकन सिटीजनशिप क्यों है? आपके जो NSA थे मोहित यूसुफ साहब, उनका ग्रीन कार्ड क्यों है US का? ये इतने लोग जो अमेरिका के, ये पाकिस्तान के जो टॉप के लोग हैं, है ना, ये बाहर की सिटीजनशिप लेके क्यों रखते हैं? आपने कभी सोचा है इसके पीछे थिंकिंग क्या है? दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान,
आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ, दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान जी, उनको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। यही काम आप चेक कर सकती हैं, अगर आपको लगे कि मैं गलत बात कह रहा हूं, यही काम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करा था। उन्होंने जब उनकी प्रॉपर्टी बॉम्बे में नीलाम करी जा रही थी, बेची जा रही थी, उसको डिस्पोज ऑफ करा जा रहा था, मुझे नहीं पता क्या, ही ऑब्जेक्टेड एंड ही रोट टू जवाहरलाल नेहरू जी एंड सेड कि जी मैं तो यू नो आई माइट लाइक टू कम बैक वन डे, दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड पाकिस्तान, पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन इट। वो ठीक है, इसीलिए आपको किसी तरफ तो कौम को लगाना है ना, जिसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। क्या इमोशन होगा, क्या इमोशन होगा वो? तो आपको बोलना है कि भाई तुम्हें हिंदुओं को काटना है ना, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, तुम्हें काफिरों को मारना है, भारत से हमारी दुश्मनी है। आपको कहीं ना कहीं तो मोटिवेट रखना है लोगों को। अब पॉजिटिव मोटिवेशन तो है नहीं, नेगेटिव मोटिवेशन नहीं होगा, तो मोटिवेशन इज मोटिवेशन, जैसे भी जो काम कर जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आरजू जी कुछ भी होगा पाकिस्तान का, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, मैं मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि कभी भी ये इस जंगल में से निकल पाएंगे, क्योंकि जो 70 साल से ये करते आ रहे हैं, तो जाहिर है कि हमने बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, ये आर्मी को, और उसमें से निकलना किसी के भी बस में नहीं है। इस वक्त भी जो गवर्नमेंट है वो भी इसी तरीके से बूट पॉलिश करके ही बैठी हुई है, और जो अगली आएगी वो भी यही करेगी। लेकिन फिर भी देखें, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आम लोग जो यहाँ रहते हैं वो कुछ सर्वाइव कर पाए। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और तारिक फतेह की नॉलेज से आपकी नॉलेज भी बड़ी होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोस लाते रहें। तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।